हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, EMS। ठीक है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से आपको समझ आ गया होगा कि हम अपने एनवायरमेंट को कैसे मैनेज करें। ऑल ओवर यही है कि हम उसको कैसे सेफ्टी प्रिवेंट करें, कैसे उसे पॉल्यूशन फ्री रखें। ठीक है, तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप तुरंत से कोई प्लानिंग कर लो। ठीक है, इमरजेंसी प्लानिंग होती है, जैसे कि और भी बहुत सारी प्लानिंग्स रहती हैं, तो एनवायरनमेंट के लिए भी हमें प्लानिंग करनी होगी। जैसे आपके खुद की कोई भी इंडस्ट्री है या किसी की भी कोई भी इंडस्ट्री है, तो उनको एक प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको पता है कि एक्सीडेंट इस तरीके से होगा या ऐसा एक्सीडेंट होने वाला है तो आप पहले से प्रिपेयर रहें। ये इमरजेंसी प्लानिंग होती है कि आप इमरजेंसी के वक्त आप तुरंत उसे कैसे ना कैसे करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, पर क्या होता है एनवायरमेंटल प्लानिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, आपको पूरा एक सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा पहले, जिसके अंदर आता है एनवायरमेंटल पॉलिसीज आएंगी। ठीक है, प्लानिंग आएगी, इम्प्लीमेंटेशन आएगा, चेकिंग एंड करेक्शन आएगा, मैनेजमेंट रिव्यू आएगा। ठीक है, कैसे ये साइकिल शुरू हुई, पहले हमने एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ निकाली। क्या करा, आपकी इंडस्ट्री है, पॉल्यूशन कितना हो रहा है आपकी इंडस्ट्री से, आपको ये पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ आपके लिए ये हैं, इस तरीके की इंडस्ट्री आपके लिए ये वाली पॉलिसी है, तो एनवायरमेंटल पॉलिसी बनी। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ बन गई, अब उसे कैसे हमें पूरा इम्प्लीमेंट, मतलब कैसे हम उसे अपनी इंडस्ट्री में फॉलो करें, क्या करें, प्लानिंग करनी पड़ेगी हमें, हम इस तरीके से करेंगे, ये करेंगे। प्लानिंग करी हमने, फिर हमने उसे करना शुरू किया, इम्प्लीमेंटेशन किया उस पर। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन किया, फिर कहीं ना कहीं हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वर्क कर रहा है, ऐसा तो नहीं है वर्क ही ना कर रहा हो, ऐसा तो नहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, सिचुएशंस ठीक से क्रिएट ना हो रही हों, सेफ्टी जो है वो ठीक से नहीं रख पा रहे हों, ये सारी चीज़ें क्या है हमें चेकआउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब हमने ये चेकिंग कर ली, चेकिंग एंड करेक्शन करेंगे, हमारे सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर आएगा मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट जो किया है उसके लिए क्या रिव्यू आ रहा है, कैसी आपकी प्लानिंग रही, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से EMS जो है वो एक अच्छा डिसीज़न लिया गया था कि आप किसी भी प्लेस पे हैं, उधर कैसे रह रहे हैं, क्या आप सांस ले पा रहे हैं वहाँ पे, किसी भी वर्क प्लेस पे हैं, ऐसा तो नहीं वो पॉल्यूशन फ्री एरिया ही ना हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान दी गई हैं। तो देखिए, इस तरीके से एनवायरनमेंट मैनेजमेंट निकला, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ताकि जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी फॉलो हो सकें, वर्क जो है वो सिस्टमेटिक वे में चल सके। देखिए, सारी चीज़ें तभी अच्छे से होती हैं जब उनका एक अलग डिपार्टमेंट हो, उनका एक अलग रोल हो। अगर आप किसी के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो उतनी अच्छे से नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो इसीलिए एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हमने अलग से रखा। इसका पूरा यही मोटिवेट करने के लिए था कि आप अपने एनवायरमेंट को कैसे सेफ रख सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो पूरा आपके रहने से रिलेटेड है। अगर एनवायरमेंट सेफ होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा, हैजार्ड्स फ्री होगा, तो आप ही सेफ रहेंगे उसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यही सब करना है, आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको एक्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, डू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सिस्टम है प्लान डू चेक एक्ट, या एक्ट प्लान डू चेक। ठीक है, ये इस तरीके से ये चार प्रोसीजर हैं। ठीक है, पहले आप प्लान करोगे, फिर उसे इम्प्लीमेंट करोगे, फिर उसे चेक करोगे, फिर उसे रेगुलर चीज़ों में उतारोगे। ठीक है, तो देखिए, इस तरीके से ये सेफ्टी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, पर इन्वायरमेंट जो है उसे सेफ रखने के लिए जो जो प्लानिंग्स की गई हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें इसी तरीके से चलना है कि हम इन्वायरमेंट की सेफ्टी लेके चले, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे करें, और उसका जो सिस्टम है वो ठीक से मेंटेन्ड रहे और हम सेफ रहें। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का ये सब्जेक्ट है, तो इसमें पूरा यही बताया गया है कि क्या क्या मैनेजमेंट किए गए हैं, कैसे कैसे बोर्ड बने हैं, कैसी काउंसिल्स बनी हैं, जो इन पे ध्यान दे रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही लोअर लेवल पे हो एनवायरनमेंट से मैनेजमेंट, इसका एक अच्छा खासा लेवल है, स्टेट लेवल पर ये चल रहा है। ठीक है, जैसे कि कल मैंने CPC भी पढ़ाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि इनका अलग ही एक लेवल है, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी चीज़ें अगर हम नज़रअंदाज करें तो भी चलेगा। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही
ज़रूरी है आपके जब भी किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी वर्कप्लेस पर आप वर्क कर रहे हैं वहाँ इंस्पेक्शन या ऑडिट किया जाता है, और कुछ भी ऐसी चीज़ पाई जाती है जिससे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट रहेगा आपके वर्कप्लेस के लिए। ठीक है, तो ऐसे नेगेटिव पॉइंट से बचना है तो आपको पूरा एनवायरनमेंट का ख्याल रखना होगा, जो पॉलिसीज़ हैं, जो मैनेजमेंट है, जो भी चीज़ें हैं उन सबको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बताया है, जिसे EMS बोला जाता है। तो यही है कि इसको जो जनरेट किया गया इस सिस्टम को, तो उसके पीछे यही रीज़न था कि हम कैसे ना कैसे सेफ्टी के साथ साथ एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, हैज़ार्ड्स, इन सब पे भी ध्यान दें। कहीं ना कहीं हम अपने काम करने के चक्कर में अपने एनवायरमेंट को हार्म कर रहे होते हैं, हमें सिर्फ अपने बेनिफिट सीखते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं तो हम कहाँ से सेफ रहे, ये भी तो है ना। तो इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, और अगर आप सेफ्टी रख रहे हैं तो आपको एनवायरमेंट मैनेजमेंट या एनवायरमेंट से तो जुड़ना ही होगा। ठीक है, तो आज ये मैंने आपको EMS के बारे में बताया। सो थैंक यू।